नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अब की बात किसकी सरकार। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए 91 प्रत्याशियों की एक और सूची। जी हां, उत्तर प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने के प्रयास में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने 18वीं विधानसभा के गठन के लिए होने वाले चुनाव के लिए शुक्रवार को प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की। भाजपा मुख्यालय से जारी की गई इस तीसरी सूची में 91 प्रत्याशियों के नाम है। तो आइए जानते हैं कि 91 प्रत्याशियों के क्या नाम है। बिस्वा से निर्मल वर्मा, तिलोई से मंकेश्वर सिंह, सलोन से अशोक कोरी, सरेनी से धीरेन्द्र बहादुर सिंह, जगदीशपुर से सुरेश कुमार पासी, कादीपुर अजा से राजेश गौतम, भोगनीपुर से राजेश सचान, तिंदवारी से रमाकेश निषाद, रामपुर खास से नागेश प्रताप सिंह छोटे सरकार, बाबागंज से केशव पासी, कुंडा से सिंधुजा मिश्रा, पट्टी से राजेंद्र प्रताप सिंह मोती, मंझनपुर से लाल बहादुर, फाफामऊ से गुरुप्रसाद मौर्य, फूलपुर से प्रवीण कुमार पटेल, मेजा से नीलम करवरिया, इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह, इलाहाबाद दक्षिण से नंद कुमार गुप्ता नंदी, कुराव अजा से आरती कोल, कुर्सी से साकेंद्र प्रताप वर्मा, रामनगर से शरद कुमार अवस्थी, बाराबंकी से अरविंद मौर्य, जैदपुर अजा से अमरीश रावत, दरियाबाद से सतीश चंद्र शर्मा, रुदौली से रामचंद्र यादव, हैदरगढ़ अजा से दिनेश रावत, मिल्कीपुर अजा से बाबा गोरखनाथ, बीकापुर से अमित सिंह चौहान, अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता, गोसाईगंज से आरती तिवारी, जलालपुर से सुभाष राय, बलहा अजा से सरोज सोनकर, मटेरा से अरुण वीर सिंह, महसी से सुरेश्वर सिंह, बहराई से अनुपमा जायसवाल, पयागपुर से सुभाष त्रिपाठी, कैसरगंज से गौरव वर्मा, भिरगा से पदम सेन चौधरी, श्रावस्ती से राम फेरन पांडे, तुलसीपुर से कैलाशनाथ शुक्ला, गैथड़ी से शैलेश कुमार सिंह, उतरौला से राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, बलरामपुर अजा से पलटू राम, मेहनौन से विनय कुमार द्विवेदी, गोंडा से प्रतीक भूषण सिंह, कटरा बाजार से बावन सिंह, करनैलगंज से अजय कुमार सिंह, तरफगंज से प्रेम नारायण पांडे, मनकापुर अजा से रमापति शास्त्री, गौरा से प्रभात कुमार वर्मा, कपिलवस्तु अजा से श्याम धनी राही, बंसी से जयप्रताप सिंह, इटावा से डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, डुमरियागंज से राघवेंद्र प्रताप सिंह, हरिया से अजय कुमार सिंह, कप्तानगंज से चंद्र प्रकाश शुक्ला, बस्ती सदर से दयाराम चौधरी, महादेवा अजा से रवि कुमार सोनकर, खलीलाबाद से अंकुर राज तिवारी, धनघट्टा अजा से गणेश चंद्र चौहान, फरेंदा से बजरंग बहादुर सिंह, पनियारा से ज्ञानेंद्र सिंह, कैंपियारगंज से फतेह बहादुर सिंह, पिपराई से महेंद्र पाल सिंह, सहजनवा से प्रदीप शुक्ला, खजनी अजा से श्रीराम चौहान, बासगांव अजा से बिमलेश पासवान, चिल्लूपार से राजेंद्र त्रिपाठी, फाजिल नगर से सुरेंद्र कुशवाहा,
कुशीनगर से पीएन पाठक, हाटा से मोहन वर्मा, रुद्रपुर से जयप्रकाश निषाद, देवरिया से सलभमणि त्रिपाठी, पथरदेवा से सूर्य प्रताप शाही, रामपुर कारखाना से सुरेंद्र चौरसिया, बरहा से दीपक मिश्रा साका, गोपालपुर से सत्येंद्र राय, आजमगढ़ से अखिलेश मिश्रा गुड्डू, निजामाबाद से मनोज यादव, दीदारगंज से डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, लालगंज अजा से नीलम सोनकर, मोहननगर अजा से मंजू सरोज, बेलथरा रोड अजा से छट्टू राम, रसड़ा से बब्बन राजभर, सिकंदरपुर से संदय यादव, फेफना से उपेंद्र तिवारी, बदलापुर से रमेश चंद्र मिश्रा, जौनपुर से गिरीश चंद्र यादव, जफराबाद से डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह, किराकत अजा से दिनेश चौधरी, जवानिया से सुनीता परिचित सिंह। तो ये थे अब तक के 91 लिस्टों के नाम। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सूची में भी लखनऊ के प्रत्याशियों के नाम नहीं है। अभी भी लखनऊ की कई सीट पर पेंच है। इसके साथ ही उन्नाव में विधानसभा अध्यक्ष पंडित हृदय नारायण दीक्षित की सीट पर भी अभी भी संशय है। दीक्षित उन्नाव की भगवंत नगर से विधायक है। वह 9वीं से लेकर 12वीं की विधानसभा के गठन में लगातार चुनाव जीते। इसके बाद उनको 2017 में सफलता मिली। तो अब तक के लिए बस इतना ही। हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।